नगर अमानगंज में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शारदा पाठक का प्रथम नगर आगमन हुआ, जिसमें कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष का जगह जगह स्वागत किया। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं की शाला मोहल्ला में स्थित मंगल भवन में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करते हुए बढ़ते महंगाई के विरोध में गन्नौर विधायक शिवदयाल बागरी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष शारदा पाठक के नेतृत्व में मंगल भवन में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की मजबूती के लिए चर्चा की गई और आगामी चुनाव के लिए मंथन किया गया। ठीक उसके पहले उपरांत एकत्रित समस्त कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा मंगल भवन से बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को घेरते हुए डीजे की धुन पर प्रचलित गीत महंगाई डाय खाए जात है और शिवराज हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता के नारों का उद्घोष करते हुए कांग्रेसियों का रेला पैदल यात्रा करते हुए रेंज ऑफिस नया बस स्टैंड थाना तिराहा गांधी चौक होती हुए भगत सिंह चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई और अमानगंज में सिविल हॉस्पिटल सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आज कांग्रेस कमेटी अमानगंज में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें संगठन के बारे में हम लोग ने चर्चा की। मंडलम सेक्टर और बूथ लेवल पर हम लोग की बैठक हुई। दूसरी बात, यहाँ के जो अमानगंज के जो कांग्रेस जन है उनने बहुत आत्मीयता से कांग्रेस पार्टी सभी लोगों का स्वागत किया। और तीसरी ये है कि महंगाई के विरोध में हम लोग ने वहाँ अमानगंज में पदयात्रा की, जो कि पदयात्रा हमारी 14 से हो रही थी, मगर हमारे यहाँ कांग्रेस के इतने यानी उत्सुक लोग हैं कि आज ही से पदयात्रा शुरू कर दी है पहले से। और महंगाई के विरोध में डीजल पेट्रोल और यहाँ के गांव में जो ट्रांसफार्मर नहीं लगे उनके लगाने के हम लोग ने तहसीलदार और विद्युत मंडल के ज्ञापन सौंपा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और हमारे विधायक जी शिवदयाल बागरी जी। कहाँ कम हो रहा है अभी आप बताइए, 5 कम कर दिए, 10 कम कर दिए, कम है? आप ही अपने मन से पूछिए क्या कम है। हम लोग की कांग्रेस की सरकार में 50-56 और 40 तक था, आपको भी विदित है। गैस मिलती थी 300 रुपए में, आज 1000 में मिल रही है गैस सिलेंडर। तो महिलाएं आम जनता सब परेशान है, आप लोग से पूछिए आप कितने यानी परेशान हैं। और हम लोग कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेंगे और 23 में हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी। आगामी हमारी ये योजना है कि हम लोग कांग्रेस के जो सदस्यगण हैं कार्यकर्ता हैं प्रत्येक घर में हम लोग जाएंगे, सदस्य बना रहे हैं, उनकी समस्या का सुनेंगे और हल करेंगे। जनता से क्या अपील है? जनता से यही है कि सच्चाई की साथ दें, जैसे रहगांव में साथ दिया वैसे पूरे मध्य प्रदेश में सारी आकांक्षा है। भाजपा द्वारा जो किया गया है, गिराई गई, खरीद फरोख्त की गई, तो ये तो है, जो जैसा कर्म करेगा उसको फल तो भोगना ही पड़ेगा। आप भी इतिहास गवाह हैं, रामचंद्र जी के साथ किसने क्या किया फिर क्या हुआ, बस वही है। हमारे कमलनाथ जी रामचंद्र जी हैं, वो हनुमान जी के वो भक्त हैं, तो उनके साथ तो हनुमान जी सदैव साथ में रहते, तो इसका परिणाम बीजेपी वालों को भोगना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। हमारी अभी तैयारी सब चल रही है, अभी डिक्लेयर कहाँ हो रहा है, अभी तो पंचायत का नहीं हो पा रहा है, सुन रहे हैं, तो ये लोग कहाँ चुनाव करा रहे हैं, डर रहे हैं। ये डर के मारे चुनाव नहीं कराना चाहते, क्योंकि अभी हमारे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में हमारे कांग्रेस के लोग बैठेंगे। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट।